जय श्री राम। आप सभी जम्मू कश्मीर के पत्रकारों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं यहाँ आने पर, और मैं कुछ बातें आपके समक्ष शेयर करना चाहता हूं कि आज जम्मू कश्मीर में सरहदों पर जो हमारे सैनिक मातृभूमि की रक्षा कर रहे हैं, आज कुछ बातों से ऐसा लग रहा है कि उनकी शहादत और उनकी जो कुर्बानियाँ जो हमारे लिए दे रहे हैं, इस देश की रक्षा कर रहे हैं, उस पर कुछ इस तरह का जम्मू प्रशासन यूटी सरकार ने जैसे कहा कि आतंकवादियों के बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाएगी, तो मैं कह देना चाहता हूँ कि सांप का बच्चा जो होता है वो सपोला होता है, वो उससे हम कभी सेहत की उम्मीद नहीं कर सकते, वो विषी उबलता है। सो उन शहीदों की शहादत बेकार ना जाए, उनकी कुर्बानियों को हम नमन करते हैं, और आतंकवादियों के बच्चों को स्कॉलरशिप देना देश के वीर जवानों के साथ एक तरह से ये अन्यायपूर्ण रवैया मैं कहता हूँ किया जाएगा अगर उनको दिया गया तो, और इसका पुरजोर पूरा हिंदुस्तान विरोध करेगा। और ये कोई पाकिस्तान नहीं है, हिंदुस्तान है, ये वीरों का देश है। हिंदुस्तान अपने फौजियों का पूरी तरह सम्मान करता है, आतंकवादियों का नहीं। आतंकवादियों का सम्मान पाकिस्तान में होता है, हिंदुस्तान में नहीं, मैं बता देना चाहता हूँ। और दूसरी तरफ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज जो संवैधानिक रूप से चुने हुए पंच हैं, सरपंच जम्मू कश्मीर के, उनको सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं उपलब्ध कराई जाती? आए दिन हमारे पंच सरपंच बेमौत आतंकवादियों की गोली का शिकार हो रहे हैं, तो जल्द से जल्द हमारी केंद्र सरकार, माननीय गृह मंत्री जी से मैं मांग करता हूं कि पंच सरपंचों को सुरक्षा दी जाए, और आतंकवादियों को जो ऐसा निर्णय लेने जा रहे हैं यूटी प्रशासन, उन आतंकवादियों की औलाद को, बच्चों को, किसी को भी स्कॉलरशिप ना दी जाए। इससे वीर जवान शहीदों का अपमान होगा, और इस अपमान को हिंदुस्तान नहीं सहेगा। श्री अमरनाथ यात्रा जी वेलफेयर सोसाइटी सरकार की प्रशंसा करते कि इस बार यात्रा भोले बाबा की शुरू हो रही है, तो उसके लिए उनकी जो तैयारी है बहुत अच्छी पुख्ता है, और बाबा भोलेनाथ की ऐसी कृपा होगी कि अब हम देख रहे हैं रात दिन हमारे सोल्जर्स आतंकवाद को, आतंकवाद के गढ़ कहा जाने वाले साउथ कश्मीर से चुन चुन कर इन आतंकवादियों को सुअर की मौत मार रहे हैं हमारे सुरक्षा बल, और सुरक्षा बल तारीफ काबिल हैं। हमारी जो फोर्स है, हिंदुस्तान की जो फोर्स है, वर्ल्ड की नंबर वन फोर्सेस है। और मैं दूसरी तरफ देख रहा हूं, माननीय गृह मंत्री से मांग करना चाहता हूं कि जो पंच सरपंच हैं उनको अकमेंडेशन दिया जाए, सरकारी गाड़ी दी जाए, और उन्हें मुफ्त आवास सुविधा दी जाए तत्काल। और राजनेताओं को जो सुरक्षा व्यवस्थाएं दी जा रही हैं, मैं देख रहा हूं कि साउथ कश्मीर में, खासकर अनंतनाग में, चाहे किसी भी पार्टी का दल का व्यक्ति है नेता, वो सुबह एक कटोरा लेके जाता है, डीसी के यहाँ पहुँच जाएगा, एसएसपी के, डीएसपी के यहाँ, कि हमें सुरक्षा दो, हमें फ्री आवास दो, हमें गाड़ी दो। ये कहाँ का इंसाफ है? कौन सा संविधान में लिखा है कि एक राजनेता को, छोटे छोटे छोट भैये नेताओं को, हर व्यक्ति को अगर सुरक्षा दी जाएगी तो देश के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ेगा, इतना खर्चा इनके सुरक्षा के ऊपर दिया जा रहा है, इनको तुरंत हटाई जानी चाहिए। अगर सुरक्षा व्यवस्था, अकमेंडेशन, मुफ्त आवास, ऐसी कोई व्यवस्था दी जाए तो संवैधानिक रूप से जो जीता है, भारत के संविधान में जिसने विश्वास किया है, जो पंच सरपंच को भारत सरकार ने लड़ाया है, उनको सुरक्षा दी जाए, जिससे कि ग्राउंड लेवल पे, मोदी जी ने भी कहा है कि लोकल, हमारे जो लोकल पंच सरपंच है उनका सम्मान होना चाहिए, उनको सुरक्षा व्यवस्था तुरंत मिलनी चाहिए। और दूसरी तरफ देखा जा रहा है साउथ कश्मीर के अंदर, खासकर अनंतनाग के अंदर, भिन्न भिन्न राजनीतिक दल लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे। आज कश्मीर वैली में मैं देखा हूँ कि तेजी से कोरोना के महामारी फैल रही है, वो ये नेता जो पाबंद नहीं है, लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे, भीड़ लगाए रखते हैं, छोटी सी कोई दिल्ली से मैसेज आता है, भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं, इसी तरीके से कोरोना महामारी फैल रही है। और जैसे ही ये
लोग, ये नेता सोशल मीडिया पे लॉकडाउन का उल्लंघन करते पाए जाते हैं। मैं कहता हूँ कि प्रशासन से, डीसी साहब से, कि इन पे तुरंत कार्रवाई करें, इन पे मुकदमा दर्ज करें जो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। लॉकडाउन का पालन करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, चाहे गांव का प्रधान हो या प्रधानमंत्री हो, जो लॉकडाउन का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उसका चालान काटा जाए। मैं फिर कहूँगा कि सुरक्षा व्यवस्था पंच सरपंच को दिया जाए और सांप का बच्चा सपोला ही होगा, उससे हम शहद की उम्मीद नहीं कर सकते। जय श्री राम, जय हिंद।